तो परमात्मा कहते हैं कि इन अज्ञानियों ने सच्चाई को उस तुम्बे की तरह, जैसे कोई चोर ने तुम्बा चुरा लिया और पानी में छुपान लग गया, वो नीचे छोड़ का आवे ऊपर आ जा, वो चोर नीचे जल में छोड़ का आवे उससे पहले वो ऊपर आ जावे। तो परमात्मा कहते हैं चोर चुराई तुम्बड़ी और छुपावे पानी में, वो छुपावे वह ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। यानी इन अज्ञानियों ने इन सदग्रंथों का अज्ञान करने की बहुत चेष्टा की, सच्चाई को छुपाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन ये छुपा नहीं सके, कहीं ना कहीं से ये सच्चाई ऊपर आ ही गई। तो ये कबीर परमेश्वर है जो हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, हमारे रोग का नाश भी कर सकते हैं और ये हमारे अशुभ संस्कारों को भी नाश कर सकते हैं। अपुन आत्माओं, हमने भगवान सिलेक्ट करना है। अब आपको दिखाते हैं, परमात्मा कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम और तात कटे ना तुमरे तीनों तापम। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति करने वालों के विषय में कितनी शानदार निर्णायक व्याख्या की है कि जो इन तीनों देवताओं की, ब्रह्मा जी की तो पूजा कोई करता ही नहीं, ज़्यादातर श्री विष्णु जी और इनके अवतार श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण जी की ही पूजा करते हैं और या फिर भगवान शंकर की इनके साथ साथ करते हैं। अब इन तीनों की भक्ति हमने करनी चाहिए या नहीं, इसका निर्णय भी सदग्रंथ ही देंगे। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, यानी यूजलेस, व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा है 16वें अध्याय में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, यानी सदग्रंथों में शास्त्रों में जो लिखा है उसको फाइनल मानना, किसी की लोक वेद पर विश्वास मत करना। अपुन आत्माओं, अब आप जी के रूबरू वो व्याख्या करते हैं जिसमें हमारे सदग्रंथ पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के पुजारियों के बारे में क्या कहा है, इनको क्या उपमा दी है। अब अपने सदग्रंथ पढ़ते हैं हम। एक विशेष रजाकरी परमात्मा ने हमें शिक्षित किया, शिक्षित करके अब सदग्रंथों का खजाना हमारे सामने खोल दिया। सदग्रंथ सत्य हैं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। झूठे तो वो हैं जो इनको समझ नहीं सके, ये शास्त्र गलत नहीं है। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है, प्रकाशित है। अब हम अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़ेंगे, पहले ये नकली गुरु हमें गलत बताते रहे। 7वां अध्याय अथ 7वां अध्याय प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, योग माने भक्ति में, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल एवं ऐश्वर्य युक्त गुणों से युक्त सबसे सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। अब ये क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि मैं ईसा ज्ञान बताऊंगा, तू मुझे संशय रहित समझ सकेगा मैं क्या हूँ।
अब श्लोक नंबर 2 अध्याय नंबर 7 का, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा, है है, और जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तोड़ फाड़ दिया। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता कहता है, इस सातवें अध्याय में तुझे ऐसा ज्ञान बताऊंगा कि तू मुझे संशय रहित समझ सकेगा, और इस ज्ञान के जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब हम सातवां अध्याय का अब श्लोक नंबर हम तीसरा पढ़ते हैं, पहला दूसरा पढ़ लिया। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कई एक कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। मेरे बारे में कोई कोई जानता है, मैं काल हूँ क्या हूँ। अब देखो क्या कहा, 4 और 5 में, पृथ्वी जल अग्नि आयु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अप्रा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। आगे देखो, हे महाभावो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा है। ये तो 8 प्रकार की तो इसने बता दिया, ये जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये तो 8 प्रकार की है, और इससे दूसरी ये तो जड़ प्रकृति है, और इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा यानी परा चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा के बारे में कहा। इसी अब यहाँ प्रकृति 2 होगी, ये ध्यान रखना, और इस प्रकृति के बारे में दुर्गा के बारे में शिवपुराण और दुर्गा पुराण में भी यही प्रमाण है। अब आएंगे गीता जी अध्याय नंबर 7 के अब 11 में, ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का अब 11। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामना से रहित बल हूँ, बलवानों का बल यानी सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल शास्त्र अनुकूल काम हूँ। अब 12वें को हम पढ़ेंगे, 7वें अध्याय का अब 12वां श्लोक पढ़ेंगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। पुण्यात्माओं, ये पवित्र सदग्रंथ जो है श्रीमद् भगवद् गीता जी, इसमें 2 प्रकार का ज्ञान है। 2 प्रकार का कैसे है? एक तो गीता ज्ञान दाता का अपना मत है, उसके अपनी सोच है, अपना अनुभव है, और दूसरा ज्ञान है वेदों का। ये 4 वेदों का सारांश है, यानी कोड वर्डों में अधिक जानकारी है श्रीमद् भगवद् गीता में, और 4 वेदों का एक संक्षिप्त रूप और निष्कर्ष रूप है, ये ज्ञान है। अब ये स्थान स्थान पर गीता ज्ञानदाता कहता है, ये तो मेरा मत है, यानी मेरी सोच तो ये है, और बाकी जो ज्ञान ये दे रहा है वो वेदों वाला दे रहा है। इसने युद्ध कराने के लिए जो अटकल अड़ाई है, अटकलबाजी की है, वो तो इसका मत है। जैसे दूसरे अध्याय के गीता जी के 37वें और 38वें श्लोक में ये कहता है कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, युद्ध के लिए खड़ा हो और लाभ हानि भूल कह, लाभ हानि को भूल जा, जय पराजय की भी इच्छा मत कर, तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा, ठीक है। और तुरंत ही कहता है कि यदि तू युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा,
और यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। ये अटकलबाजी का ज्ञान, दोगला ज्ञान, ये भ्रमित करने वाला ज्ञान, ये काल का है, अपनी अपना मत है। अब सातवें अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने क्या कहा है कि जो रजगुण यानी श्री ब्रह्मा जी से जो संसार की उत्पत्ति जीव आपस में जो है ना प्रेरित होकर के वासना वश होकर के जीव उत्पत्ति करते हैं, संतानों उत्पत्ति करते हैं, ये तो श्री ब्रह्मा जी रजगुण से हो रहा है। अब सातवें अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने क्या कहा है कि जो रजगुण यानी श्री ब्रह्मा जी से जो संसार की उत्पत्ति जीव आपस में जो है ना प्रेरित होकर के वासना वश होकर के जीव उत्पत्ति करते हैं, संतानों उत्पत्ति करते हैं, ये तो श्री ब्रह्मा जी रजगुण से हो रहा है। और सतीथी यानी एक दूसरे में मोह ममता, भाई का भाई से प्यार, बहन भाई का प्यार, पति पत्नी में ममता, संपत्ति में लगाओ, ये जो इसको सतीथी बोलते हैं कि इस कारण से ये जीव अपना टाइम पास कर ले, ये सतगुण विष्णु जी से हो रहा है, भाव से हो रहा है, और तमोगुण माने संहार श्री शंकर जी अर्थात श्री शिव जी तमोगुण से ये सब संहार हो रहा है। सतीथी यानी उत्पत्ति, सतीथी और प्रलय, कहते इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण मैं हूँ, काल कहता है, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। इस काल ने, काल रूपी ब्रह्म ने, इस ज्योति निरंजन ने अपने पुत्रों को पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक पर एक एक विभागीय मंत्री का दर्जा देकर अधिकारी बना दिया और स्वयं इनसे भिन्न रहता है, इसके इनके सामने नहीं आता, गुप्त रहता है, इनको भी उनका उसका पता नहीं। तो ये कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो मैं हूँ, निमित्त मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, मैं इनसे बाहर हूँ। अब यही प्रमाण लेते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तब ये सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी के श्लोक 12 से लेकर 15 तक आपकी समझ में आएंगे। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कहता है गीता ज्ञानदाता, ये काल, इसको ये महाशिव भी कहलाता है, काल रूपी भगवान भी कहता है, कहलाता है, ये कहता है कि मैं इनसे अलग हूँ। देखिए संक्षिप्त शिवपुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, फोन नंबर फैक्स नंबर ये है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए 110 पृष्ठ संक्षिप्त शिवपुराण और ये है रुद्र संहिता, ये नौवें अध्याय के लास्ट में है। सारा प्रकरण दे करके यहाँ पर निष्कर्ष दिया कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु ये शिव, ये इनका पिता, ये इनके सामने नहीं आता और ये इनसे भिन्न रहता है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। इससे ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इसको महेश कहो, इन तीनों देवताओं में तो गुण है और परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके 123 पृष्ठ पर यहाँ देखिएगा, ये मार्कंडेय जी कह रहे हैं, यहाँ मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी बताते आ रहे हैं, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की, ये काल को स्वयंभू कहते हैं, ब्रह्म को, इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा,